everyone and a very warm welcome to Neat Now, your NCERT destination. Chapter chal raha hai 6, Anatomy of Flowering Plants. Starting up our tissues, thoda sa introduction hum dekh chuke hain. Aaj hum baat karenge apne simple tissues ki. Now, what do you understand by simple tissues and permanent tissues? Meristematic tissue dividing. Permanent divide nahi hote hain. To ab isme jo simple tissues hain, wo humko dekhne hain. Now, when you talk about simple tissues yani ki aise tissues jo हर जगह मिलेंगे आपको, ठीक है. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो हम देखेंगे अभी जाइलम एंड फ्लोएम थोड़ी देर बाद, उसमें भी आपको इनके थोड़े थोड़े से आइडिएशन या यू कैन से स्ट्रक्चर्स ये दिखेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर permanent tissue. The cells of the permanent tissues do not generally divide further. हमने जब टिश्यूज देखे थे, ठीक है, जब हमने टिश्यूज देखे थे तब हमने देखा था कि हमने इनको दो हिस्सों में बांटा था. एक था आपका मेरिस्टेमेटिक, है ना, और एक था आपका परमानेंट. अब यहां पे हमने मेन जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट दिया था वो ये दिया था कि जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग. मेरिस्टोस का मीनिंग ही यही था ना, इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग. परमानेंट टिश्यू हमने कहा था इसमें डिविजन नहीं होती, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही व्हेन दे मैच्योर दे बिकम परमानेंट टिश्यू, ठीक है. बट कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभी डिवाइड कर देते हैं, तो इसीलिए लिखा है डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर. देर आर सर्टेन टिश्यूज विच कैन डिवाइड बट जनरली डिवाइड नहीं करते. अच्छा, एक दो चीजें और हैं. छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा कि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उनके फर्दर टाइप्स होते हैं, बट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स आपको जितना दिया गया है दैट इज मोर देन सफिशियंट. एक्स्ट्रा नॉलेज नेवर हर्ट्स. रिवाइज करना चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं. Permanent tissues having all cells similar in structure and function are called simple tissues. Simple tissues वो tissues हैं जिनका structure same है और जिनका function भी same है. Function कहीं भी आपको, see it's very general, very common कि आपका tissue जो है उसका structure तो नहीं कह सकते but function जरूर similar होगा, and that is why they are grouped under one whole being. कि हाँ हाँ जी भाई, ये तो ये आपके टिश्यूज हैं. क्यों? क्योंकि वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. नाउ परमानेंट टिश्यूज हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. अब जो हमने कहा कि स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है, फंक्शन जो है सिमिलर है, वो हो गए आपके सिंपल टिश्यूज. अब ऐसे भी टिश्यूज हैं कॉम्प्लेक्स जिनका जो फंक्शन है वो तो है लेकिन सेल्स जो हैं वो अलग अलग हैं, तो ये हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में जब जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ेंगे तब देखेंगे. फिलहाल हम फोकस करेंगे ना सिंपल टिश्यूज. यहां पे हमने पहले ही देख लिया है कि आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड आपका जो फंक्शन है ये दोनों ही क्या है, दीज टू बोथ ऑफ देम आर सिमिलर. यानी ये जो है आपके सिमिलर इन फंक्शन, सिमिलर इन स्ट्रक्चर है, राइट. चले, अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप of only one type of cells. सिर्फ एक type के cells आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. यानी जो simple tissue है you will find only one kind of cell. Various simple tissues in plants are parenchyma, colenchyma and sclerenchyma. ये अलग अलग type के cells हैं, अलग अलग type के simple tissues हैं जो group form करते हैं. अच्छा, आप ये group को उठा के अगर मैं किसी अंदर के किसी बड़े tissue के अंदर place कर दूं तो भी ये same रहेंगे, ठीक है. So तीन simple tissues याद रखने हैं, parenchyma, colenchyma, sclerenchyma. Parenchyma stores food और वही हम पहले देखेंगे. सबसे पहले parenchyma forms a major component within organs. The cells of the parenchyma are generally isodiametric. अगर आप देखोगे सिमिलर होते हैं, ठीक है, दे आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर इन डायमीटर, या कह सकते हो कि काफी जो शेप होता है वो एक दूसरे से सिमिलर है. ऐसा नहीं कोई एक बहुत बड़ा सेल है फिर छोटे हैं. दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप. शेप्स अलग अलग होंगे, शेप्स काफी अलग अलग होंगे बट लगभग सिमिलर होंगे. Their walls are thin and made up of cellulose. Now, तो अगर मुझे ड्रॉ करना पड़े, ठीक है, सो आपका जो पैरेन्काइमा है कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है. सी, सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है इन सेल्स में ड्रॉ करने में, यू डोंट हैव टू बी टू अडहेरिंग कि आपका शेप क्या है, साइज क्या है. आप फ्री हैंड ड्रॉइंग टाइप में
बना सकते हो, ठीक है। सो ये जो है एक स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, काफी हद तक दिस इज योर पैरेन्काइमा। अब इसकी एक इस तरीके से सेल वॉल होगी जो हमें कहा गया है दैट इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, थिन सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अच्छा, अब यहीं पे एक और चीज है जो हमको याद रखनी है, जैसे ये हो गई आपकी, ये हो गई आपकी, दीज आर योर इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिटवीन सेल्स, ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस। सो ये आपका है पैरेन्काइमा। ग्रीन सेल्स, ग्रीन क्यों, डिटरमाइन मतलब दिखने में आसानी हो जाएगी आपको, आपकी बुक में भी उसी से दिया हुआ है, इसलिए आई एम यूजिंग द सेम कलर। सेल्यूलोज से वॉल्स बनी हुई है एंड दे कैन बी एनी काइंड ऑफ सेल्स, इस किसी भी तरीके के आप सेल्स बना सकते हो। दे मे बी इधर क्लोजली पैक्ड और हैव सम इंटरसेल्युलर स्पेसेस, यानी या तो एकदम क्लोजली पैक होंगे इस तरीके से जो एकदम ही स्पेस बिल्कुल ही ना दी हो, ठीक है, या फिर ऐसे, ठीक है, यहाँ पे अगर क्लोजली पैक्ड है तो आपको बीच में इंटरसेल्युलर सेल के बीच में जो स्पेसेस हैं वो लगभग गायब दिखेंगी, बट इस तरीके के ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट पैरेन्काइमा अगर आपको याद हो इसी का टाइप है, जिसमें बहुत सारी एयर यानी कि गैप्स होते हैं, ठीक है। द पैरेन्काइमा परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। स्टोरेज ऑफ फूड इज वन ऑफ द मेजर फंक्शंस दैट इट परफॉर्म्स, ठीक है। सो पैरेन्काइमा क्या कर रहा है आपका, फोटोसिंथेसाइज कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसका एक और फॉर्म है जो पैरेन्काइमा होता है आपका, ठीक है, इसको हम फर्दर दो में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका पैरेन्काइमा और एक होता है आपका क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा जो होता है, जैसे कि नाम दिया है क्लोरोफिल, इसी से समझ जाइए, हेंस जो फोटोसिंथेसिस वाला फंक्शन है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस वाला फंक्शन है वो आपका कौन परफॉर्म करेगा, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा किसका हिस्सा है, पैरेन्काइमा का, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गॉट टू रिमेम्बर, ये स्ट्रक्चर जो है आपका पैरेन्काइमा का याद रखेंगे। दिस इज व्हाट इट लुक्स, जब आप अपनी बुक में देखोगे तब आपको इस तरीके से दिखेगा कि ये जो पैरेन्काइमा है, ठीक है, वो क्या। नाउ कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा हमने देख लिया, ठीक है, सिंपल टिश्यू में तीन चीजें जो मैंने कहा था याद रखनी है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा हम देख चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा में थोड़ी सी चीजें जो है ना वो डिफरेंट होती है। अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, जो आपकी कोलेन्काइमा है वो आपको डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में दिखेगी, कहां, आपके लेयर्स बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस यानी सबसे ऊपर वाली लेयर, ठीक है, उसके नीचे जो होंगे उसमें आपको कोलेन्काइमा दिखेगा। इट इज फाउंड इधर एज अ होमोजेनस लेयर और इन पैचेस, पैचेस में इधर उधर, या फिर एक प्रॉपर लेयर की तरह मिलेगी, या तो यहाँ एक पैच हो गया, ठीक है, एक यहाँ हो गया, इस तरीके से होगा, या फिर एक प्रॉपर लेयर की तरह ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकेंड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। अब चलिए, अब इसको हम ड्रॉ करेंगे, सो लेट्स ड्रॉ द सेल्स। मैं इजी तरीके में बेंजिंग रिंग बना के बना रही हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए और आप भी बना पाए इनको फर्दर, ठीक है। ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अब इनके बीच में इस तरीके से वॉल्स होती हैं, ठीक है, और यहीं पे आपके थिकेंड कॉर्नर्स भी आपको दिखेंगे। तो होंगे क्या, पहले तो हम अंदर बना लेते हैं, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज योर प्रोटोप्लास्ट, और बीच में जो एक अलग सा पोर्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, दैट इज योर वैक्यूल। सो ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है दैट इज योर वॉट, प्रोटोप्लास्ट, और बीच में जो खाली स्पेस है दैट इज योर वॉट, वैक्यूम, ठीक है। अब थिकेंड कॉर्नर्स कहा गया है, अगर हमको कॉर्नर्स बनाने पड़ेंगे इनके, तो यहाँ पे जो इस तरीके से है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये दिस इज योर थिकेंड कॉर्नर। सो ये है आपका, ये यहाँ पे भी होगा आपका, ये यहाँ पे भी होगा, ये यहाँ पे भी होगा, हर जगह इसकी प्रेजेंस जो है आपको दिखाई देगी। सो दिस इज योर थिकेंड कॉर्नर, ठीक है, ये हो गया थिकेंड कॉर्नर। ये हो गई आपकी जो बीच में चल रही हैं
या फिर अंदर की तरफ जो आपको दिखेगी ये वाली सेल वॉल, दिस इज योर वैक्यूल एंड दिस इज योर प्रोटोप्लास्ट. सो ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, दिस रिप्रेजेंट्स योर कॉलन काइमा. ये है आपका कॉलन काइमा. ठीक है. नाउ कॉलन काइमेटिक सेल्स में बी ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट. सो आपका जो हम बात कर रहे हैं कि जो आपके कॉलन काइमा सेल्स हैं, इनमें आपको बहुत प्रोमिनेंटली ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी. क्या क्या? पहले तो उनका शेप ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल एंड प्लस इनमें क्लोरोप्लास्ट है. नाउ बिकॉज क्लोरोप्लास्ट है तो क्या परफॉर्म करेंगे? Photosynthesis. These cells assimilate food when they contain chloroplast. Assimilate यानी क्या होता है? Assimilate, absorption, digestion. ये तीन terms हैं जो काफी लोगों को confusion जिसमें feel होता है rather. ठीक है. Assimilation यानी कि अब सब कुछ हो चुका है, अब absorb करना है. ठीक है. चले. Intercellular spaces are absent. यहाँ पे आपको intercellular spaces नहीं मिलेंगी. They provide mechanical support to the growing parts of the plant, such as young stem and petiole of a leaf. जो भी बहुत delicate से part है, उनको support देने में colon chyma is very helpful. अगर आप ये देखो, ठीक है, so this is your colon chyma. ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, this is your colon chyma tissue. Now next issue that we are going to talk about is your sclerenchyma. Sclerenchyma की अगर मैं बात करूँ, sclerenchyma are the toughest. ठीक है, जो हमारे नारियल के ऊपर फाइबर्स होते हैं जिनको हम छील छील के निकालते हैं, those are your sclerenchymatous. Consist of long narrow cells with thick and lignified cell walls having a few or numerous pits. They are usually dead and without protoplast. So let's make it. ठीक है, जो आपका फाइबर है, जैसे हमने पहले कहा है, it has thick walls. So walls इसकी काफी ज्यादा जो है वो thick होंगी and इसमें spaces कम होंगी, but हाँ, you'll have a lumen. बीच में जो ये part है, ये आपका lumen होगा जो काफी अच्छे से visible होगा. This is your thick wall. क्या है ये आपकी? थिक वॉल है आपकी, राइट? दिस इज योर जाइलम फाइबर. अच्छा, एक और होता है जो राउंड होगा और उसमें काफी सारी इस तरीके से आपकी जो ब्रांचेस जैसी दिख रही होंगी आपको, वो होंगी. ठीक है, एक बीच में आपका इस तरीके से है ना ल्यूमेन होगा. यू विल हैव अ ल्यूमेन होगा हियर. ठीक है, पिट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी. ये है आपका स्क्लेराइड. सो ये है आपके स्क्लेरेनकाइमा. ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा में भी इधर फाइबर्स और स्क्लेराइड्स. तो ये फाइबर, ये आपका हो गया स्क्लेराइड. द फाइबर्स आर थिक वॉल्ड, elongated and pointed cells generally occurring in groups in various parts of the plant. So, या तो groups में होंगे या फिर आपके क्या होंगे, जो basically आपके अगर cells जो देखे जाएं elongated fiber में, ये होंगे या फिर they are in the groups. The scleroids are spherical, oval or cylindrical, highly thickened dead cells with very narrow cavities. जो आपकी cavities हैं यहाँ बहुत कम है, which is your lumen. These are commonly found in fruit walls of nuts, pulp of fruits like guava, pear, sapota, seed coats of legumes and leaves of trees. So ये चीजें हैं जो आपको मिलेंगी. They provide mechanical support to organs. These are dead, very toughened, very you can say एक तरीके से तोड़ना भी इनको मुश्किल होता है. So this is a sclerenchymatous tissue और ये dead है. मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो आपको हेल्प करेगा. सो दिस इज अगेन योर स्क्लेराइड एंड दैट इज योर फाइबर. ठीक है, विद दिस वी आर डन विद द सिंपल टिश्यूज. नेक्स्ट आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज और वो हम सबको पता है, वो है हमारे जाइलम एंड फ्लोएम, विच विल जस्ट स्टार्ट आफ्टर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो के लिए मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब. टिल देन कीप रीडिंग, कीप मेकिंग नोट्स, हैव अ गुड डे एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू.